गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जीके. आवर टॉपिक इज एनिमल सिमिलीज. तो देखिए, मैनी ऑफ द मोस्ट कॉमन सिमिलीज कंपेयर पीपल टू एनिमल्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एनिमल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर दैट सिमिली. इट इज़ नॉट ऑलवेज ऑब्वियस. तो बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो एनिमल्स के साथ मिलते जुलते हैं. सेंटेंस भी है जो कि एनिमल्स से मिलते जुलते हैं. तो नीचे हमें कुछ सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस के साथ हमें इस साइड में जो पिक्चर दिया गया है, इस एनिमल के साथ कौन सा सेंटेंस मिलता है, उसके साथ कौन सा कंपेयर किया जाएगा, तो वो एनिमल का नाम इसमें से ढूंढ के हमें यहाँ पर लिखना है इस ब्लैंक्स में जो सेंटेंस दिया गया है. तो देखिए, नंबर वन पर है, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम एज बिजी एज ए डेक्स. आंसर इज बी. मतलब है आई कांट टॉक राइट नाउ, मतलब मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बी आई एम एस बी सी एस ए बी, यानी कि मैं एक मधुमक्खी की तरह बिजी हूँ अपने काम में. इसलिए वो किसके साथ कंपेयर किया गया है, बी. बी भी एक क्या है, मतलब है मधुमक्खी. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपने काम में हर वक्त लगी रहती है, वो बहुत बिजी होती है. तो इसीलिए इंसान का बिजी होना बी के साथ कंपेयर किया गया है. नंबर टू पर है, आई कुड नॉट ग्रैब इट, इट इज़ एस स्लीपरी एस एन डेक्स. आंसर इज ई. तो देखो, आई कुड नॉट ग्रैब इट, मतलब मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, इट एस स्लीपरी एस एन ईल. ईल मतलब एक मछली है जो कि सांप जैसे दिखाई देती है. तो मछली, ये मछली हाथ में हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि बहुत स्लिप करता है, हाथ से फिसल जाता है. इसीलिए इसको ईल के साथ इस सेंटेंस को कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट नंबर थ्री पर है, लुक एट हर गो, सी इज एज क्विक एज ए डेक्स. आंसर इज बनी. उसके तरफ देखो, वो कितना तेज़ है, वो एक बनी, यानी कि जो रैबिट का बच्चा होता है, छोटा रैबिट होता है, उसे बनी कहा जाता है. वो क्या है, वो बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे. तो इसलिए इस सेंटेंस में बनी के साथ कंपेयर किया गया है ये सेंटेंस को, क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता है. नेक्स्ट नंबर फोर पर है, ही कांट सी ए थिंग, ही इज़ एज ब्लाइंड एज ए डेक्स. आंसर इज बैड. मतलब इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि वो बैट यानी कि चमगादड़ की तरह ब्लाइंड है, यानी कि उसको भी दिखाई नहीं देता. जैसे बैट यानी कि चमगादड़ लोगों को सिर्फ रात में दिखाई देता है, सुबह कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक उसी तरह वो भी क्या है, ही कांट सी ए थिंग, वो कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि वो बैट जैसा ब्लाइंड है. तो इस सेंटेंस में बैट को इस इंसान के साथ कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट नंबर फाइव, सी विल नो द आंसर, सी इज एज वाइज एंड वाइज एज एन डेक्स. आंसर इज आउल. मतलब है उसके पास इस जवाब का आंसर होगा क्योंकि वो क्या है, आउल की तरह चालाक है, जैसे समझदार रहता है, ठीक उसी तरह इस लड़की भी बहुत समझदार है. तो इसीलिए इसको इस सेंटेंस में आउल के साथ इस लड़की को कंपेयर किया गया है. नेक्स्ट नंबर सिक्स, सी इज इन गुड स्पिरिट्स टूडे, सी इज एज हैप्पी एज ए डेक्स. आंसर इज लार्क. मतलब है उसकी स्पिरिट आज बहुत अच्छी है. वो क्या है, सी इज एज हैप्पी एज ए लार्क. लार्क वो एक जो चिड़िया होता है, वो क्या, वो बहुत खुश रहती है, हमेशा गुनगुनाती रहती है और अपने गाने से खुश रहती है. तो ठीक उसी तरह इस सेंटेंस में भी इस लड़की के साथ लार्क जो चिड़िया है इस पिक्चर में आप देख रहे हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है, क्योंकि ये चिड़िया बहुत खुश रहती है. तो इस सेंटेंस में भी दिया गया है कि वो लड़की का स्पिरिट आज बहुत अच्छा है, वो उसका स्पिरिट बहुत गुड है. तो वो क्या, कितनी खुश है वो, लार्क एक बर्ड है जो उसके जैसा खुश है वो. नेक्स्ट नंबर सेवन, दिस कंप्यूटर इज़ टेरिबल, इट इज़ एज स्लो एज ए डेक्स. आंसर इज स्नेल. इसका मतलब है, दिस कंप्यूटर इज टेरिबल, मतलब ये कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ख़राब हो चुका है. तो इट इज़ एज स्लो एज ए स्नेल. स्नेल जैसे बहुत स्लो चलता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं वो क्या करता है, ये जो छोटा सा कीड़ा जो होता है वो कितना स्लो चलता है. तो उसके साथ कंपेयर किया गया है इस सेंटेंस को,
इस कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर ख़राब हो चुका है और उसका प्रोसेसर बहुत स्लो है, तो इसलिए उसको स्नेल के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसलिए इस सेंटेंस क्या होगा, दिस कंप्यूटर इज टेरिबल, इट इज़ एज स्लो एज ए स्नेल। नेक्स्ट नंबर 8, ही विल नेवर चेंज हिज माइंड, ही इज एज स्टबर्न एज ए डेक्स। आंसर इज लैम्प। He will never change his mind. He is as stubborn as a mule. मतलब है ये कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो म्यूल जैसे स्टबर्न, यानी कि म्यूल जैसे ज़िद्दी इंसान है। म्यूल जैसे, म्यूल मतलब गधे का, छोटे बच्चे को म्यूल कहा जाता है। वो जैसे एक ज़िद्दी इंसान होता है, ज़िद्दी जानवर होता है, ठीक उसी तरह ये इंसान को भी ज़िद्दी जिद्दी जैसे बताया गया है इस सेंटेंस में। इसीलिए इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, म्यूल, यानी कि गधे के छोटे बच्चे जैसे ज़िद्दी होते हैं, ठीक उसी तरह ये इंसान भी बहुत ज़िद्दी है और वो अपना माइंड कभी भी चेंज नहीं करेगा आगे भी। तो देखिए नंबर 9 पर है, डोंट वरी अबाउट हिम, ही इज़ एज जेंटल एज ए डैक्स। आंसर इज लैम। इसका मतलब है आप उसके बारे में वरी, यानी कि दुख मत हो, यानी कि चिंता भी मत करो, वो ही इज़ एज जेंटल एज ए लैम। वो लैम की तरह जेंटल है, जैसे लैम यानी कि भेड़ का छोटा बच्चा जो होता है उसे लैम कहा जाता है। लैम जैसे जेंटल रहता है, वो इंसान भी सेंटेंस में बताया है कि वो बहुत जेंटल है, तो उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 10 पर है, आई कांट हियर यू, यू आर एज क्वाइट एज ए डेक्स। आंसर इज माउस। मतलब है इस सेंटेंस में, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम माउस के जैसे क्वाइट हो, यानी कि चुपचाप हो। माउस जैसे चुपचाप रहता है, ठीक उसी तरह तुम भी वैसे चुपचाप हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में माउस के साथ कंपेयर किया गया है। नंबर 11, गेट हिम टू लिफ्ट इट, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन डेक्स। आंसर इज ऑक्स। लिफ्ट के लिए उसका सहारा लो, यानी कि उसके मदद से तुम लिफ्ट ले सकते हो, क्योंकि वो क्या है, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ऑक्स जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे पावरफुल रहता है, ठीक उसी तरह वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हें लिफ्ट दे सकता है। तो इस सेंटेंस में कौन से एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है उस इंसान को, ऑक्स के साथ। नंबर 12, आई कांट गो टू स्कूल टूडे, आई एम एज सिक एज ए डेक्स। आंसर इज डॉग। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मैं डॉग जैसे सिक हूँ। डॉग जैसे सिक यानी कि बीमार रहता है, ठीक उसी तरह इस इंसान को भी कंपेयर किया गया है कि वो बहुत सिक है और वो स्कूल नहीं जा सकता। तो इन सेंटेंस में किसको कंपेयर किया गया है, डॉग के साथ। तो ये था आज का चैप्टर एनिमल सिमिलीज। आज का आपका होमवर्क है ये सारे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना और इस ब्लैंक्स में कौन से जानवर को इस सेंटेंस से कंपेयर करने से इस सेंटेंस परफेक्ट होगा, उसके साथ कंपेयर करना, उसका नाम इस ब्लैंक्स में लिखना। थैंक यू।